एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी शाम का वक्त हो रहा है और चाय पीने का भी टाइम हो गया है, तो बस मैं जा रही हूँ चाय बनाने। और आज मैंने देखिए ये ब्लैक कलर की कुर्ती पहनी है, जो उस दिन मैंने अमेजोन से मंगाई थी वही वाली आज मैं पहनी हूँ। और विहान जो है अभी सो रहे हैं और उसके उठने का भी टाइम हो गया है। और आज ना थोड़ा सा मौसम जो है थोड़ा सा बारिश टाइप का हो गया है। वैसे दिन में थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, तो अभी मैं आपको बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। तो ये देखिए ये बाहर का नज़ारा है। तो अभी दिन में बारिश हुई थी, इस टाइम थोड़ा सा रुका हुआ है और ये शॉपिंग मॉल बन रहा है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं जा रही हूँ सैंडविच बनाने। तो सुबह ही मैंने आलू को बॉईल करके रख लिया था और इधर मैं चाय बैठा रही हूँ, तो चाय में मैं अदरक डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं चाय जो है मेरी बन करके अब तैयार है। और इधर मैंने एक पैन ले लिया है, मैं सैंडविच का स्टफिंग तैयार करने जा रही हूँ। तो मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है, अब मैंने इसमें एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और एक मैंने मिर्चा डाला है। इसको हम थोड़ी देर तक भून लेंगे तेल में। फिर इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे, नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर लास्ट में इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे। तो बस स्टफिंग तैयार है, अब मैं फटाफट से सैंडविच को सेक ले रही हूँ। और ये ऑफिस से भी आ चुके हैं, तो बस अब हम लोग चाय पीने जा रहे हैं। फिर चाय पीने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर मैं छत पे जा रही हूँ सूखे हुए कपड़े लेने। तो बस जो सूखे हुए कपड़े मैं लेकर के आई थी उसको मैं फोल्ड करके रख रही हूँ।
तो जो अलग अलग टाइप के कपड़े हैं उसको मैं फोल्ड करते टाइम ही अलग अलग कर लेती हूँ, जिससे कि बाद में हमें ढूंढना ना पड़े। तो मैं अपने कपड़े अलग फोल्ड करके रखती हूँ, विहान के अलग रखती हूँ और इनके कपड़े अलग ही फोल्ड करते समय ही अलग कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर ख़राब कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो बस मैं उसको सही से लगा रही हूँ यहाँ पे। और आज मैं दिन में मार्केट गई थी कुछ किचन का सामान लेने, तो बस मैं वही अब रखने जा रही हूँ। तो सोचा रखने से पहले लाओ आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैं ये चावल धोने के लिए मैं ये बाउल लेकर के आई थी। तो इसमें ना ऐसे गिराएंगे तो पानी जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो ये मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। और दूसरी चीज़ मैं लाई हूँ चॉपर, जो मेरा चॉपर था ना वो टूट गया था, तो मैं ये नया चॉपर लेके आई हूँ। मतलब ये सही रहता है, जैसे हम कुछ चीला वगैरह बनाते हैं तो ये बारीक चॉप कर देता है प्याज वगैरह को। तो मेरा पहले वाला ना वो टूट गया था, तो मैं ये दूसरा लेकर के आई हूँ। और तीसरा मैं ये एक, हाँ बेटा ये फिश है, यहाँ रख दो फिश को। तो ये विहान की मैं फिश भी लेकर के आई थी, तो इसमें ना ऐसे ये चाबी भर देते हैं तो ये फिश चलने लगती है। तो विहान पहले तो इससे डर रहा था पर अब खेलने लगा है। और ये मैं नमक की डिब्बी लेकर के आई थी, तो इसमें ना कई सारे होल बने हुए हैं, मतलब बड़ा भी है छोटा भी है, तो मुझे ये सही लगा काफ़ी, तो मैंने ये एक ले लिया। ये सब छोटी छोटी यूजफुल चीज़ें मैं लाई थी। और ये दूध वगैरह को ढकने के लिए मैंने ये एक जाली लिया है। और हाँ बेटा, हाँ ये फिश है बेटा, दिस इज कॉल्ड फिश। और ये मैंने चॉपिंग बोर्ड लिया है, मतलब कि पत्तेदार सब्जियाँ इसको रख दो बेटा, मतलब जो भी पत्तेदार सब्जियां में होती है ना उनको काटने में मतलब प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ये चॉपिंग बोर्ड ले आई हूँ। इसका ना ये आराम से कट जाता है, तो मेरे पास ये नहीं था तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसे लेने के लिए। तो ये चॉपिंग बोर्ड है मेरा, ये मुझे ना 200 का मिला है बेटा, वो उठा दो। और तो बस मैं यही सामान लेकर के आई हूँ। और अब मैं दादा को दे दो ये फिश, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करके घुमा के ऐसे करते हैं, तुम भी ऐसे घुमा दो, ऐसे ऐसे ठीक चलेगी। तो बस मैं यहाँ पर डिनर की तैयारी में लग गई हूँ। तो आज मैं मेथी के पराठे बनाऊंगी, तो बस मैं मेथी को कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, तो बस मैं मेथी के पराठे के लिए आटा गूंथने जा रही हूँ। तो मैं आटे में थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ।
फिर अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने से टेस्ट जो है अच्छा आता है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ का पराठा बनाती हूँ तो अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। थोड़ा सा मोइन के लिए ऑयल डालेंगे, जो ऑयल आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। जो मैंने मेथी कट करके रखा था अब वो मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मिर्चे को कट करके रखा था वो डाल देंगे, और मैंने थोड़े से लहसुन भी कूट करके रख लिया था तो वो मैं मिक्स कर रही हूँ। लहसुन डालने से भी टेस्ट जो है अच्छा आता है। बस अब हम आटे को तैयार कर लेंगे, और इसके साथ मैं आलू मटर की सब्जी भी बनाऊंगी। सब्जी मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी आलू मटर की सब्जी जो है तैयार है। अब मैं इसमें कटा हुआ धनिया डाल दूंगी। और यहाँ पर मैं पराठे सेकने जा रही हूँ। तो बस मेरा डिनर जो है अब रेडी है, मेथी के पराठे और आलू मटर की सब्जी। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज आफ्टरनून से लेकर के इवनिंग तो नहीं कहेंगे, डिनर तक का रूटीन। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।